जो कि ब्रेकिंग खबर आ रही है बरही से, चौपारण पुलिस को सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। 10 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस को देख तस्कर फरार हो गए। चौपारण थाना क्षेत्र के मोरनिया और दूरा गड़ा का ये मामला बताया जा रहा। तो 10 एकड़ जमीन पर पोस्ते की ये खेती की जा रही थी, चौपारण थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस मामले में। आपको जानकारी इसमें हम दे दें, 10 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया है पुलिस ने। अलाजी पुलिस को देखकर तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आती है और खास करके सुदूरवर्ती इलाकों में जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती है वहां पोस्ते की खेती करते हैं और तस्कर बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी करते हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी मिली है, आपको जानकारी दे दें, बरही चौपारण से खबर निकली है। 10 एकड़ जमीन पर पोस्ते की ये खेती की गई थी जिसे पुलिस ने नष्ट किया। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इसे नष्ट किया। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं बीरेंद्र, हमारे साथ संवाददाता बरही से जुड़ रहे हैं। बीरेंद्र, झारखंड के अलग अलग हिस्सों से खास करके सुदूरवर्ती इलाकों से जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती पोस्ते की खेती होती है, पुलिस को इसकी सूचना भी मिलती है और पुलिस कार्रवाई करती है। ताजा मामला आपके क्षेत्र से ही जुड़ा है, 10 एकड़ जमीन पर पोस्ते की खेती की गई थी जिसे पुलिस ने नष्ट किया, पूरी जानकारी चाहेंगे। आपको हम बता देते हैं कि बरही थाना चौपारण थाना क्षेत्र का ये मामला है आपका, दूड़ागरा और मोरनिया के बात है जहाँ अति उग्रवाद क्षेत्र है उस जगह पे। लेकिन वहाँ पे आज हम न्यूज 11 के माध्यम से भी हम खबर ने दिखाया था कि वहाँ एक उग्रवादी को गोली मार दिया जाता है जो गया का रहने वाला, मोहनपुर का रहने वाला था। वो क्षेत्र में मैंने कोई जाता भी नहीं है जी, जी। और जो जितने भी तस्कर है आराम से खेती करते हैं और खेती करने में सफल रहते हैं जी। लेकिन पुलिस, हमने आज 4 दिन के पहले भी वन विभाग का हम खबर दिखाए हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से जी। जब से इस क्षेत्र में न्यूज 11 के माध्यम से हमने खबर दिखा रहा है तब से पुलिस मैंने अच्छे काम कर रहे हैं और पुलिस जो भी है सफलता प्राप्त कर रही है। और 10 एकड़ जमीन जो भी है वहाँ पर खेती किया जा रहा था चुपे से, लेकिन उसके बाद भी जानकारी मिलते ही वन विभाग और आपका ये चौपारण पुलिस विनोद तिर्की जो थानेदार हैं विनोद तिर्की वो अपने दल बल के साथ गए और नष्ट करने में कामयाब रहे हैं जी। नहीं तो सुदूरवर्ती इलाकों में, जिस सुदूरवर्ती इलाके की बात आप करें, नक्सल प्रभावित एरिया है वीरेंद्र, क्या नक्सलियों की भी भूमिका इसमें रहती है खेती करने में क्या? अरे देखिए, विशेष सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि उन लोग के अड्डा तो वहां रह रहा है लेकिन ये भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि उन लोग का हाथ है कि नहीं है। लेकिन जितने भी तस्कर है वो साइड में है और वहाँ पुलिस नहीं पहुंच पाती है, ना वन विभाग पहुंच पाती है, ना पुलिस है, न मीडिया के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं जी। कोई मतलब उस क्षेत्र में पहुँचने का मैंने नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसी के चलते उन लोग मैंने अच्छे खेती कर लेते हैं, उसे अच्छे मुनाफा बिहार यूपी में बेचते हैं, अच्छे दाम पर बेच रहे हैं। लेकिन आप पुलिस ऐसा, पुलिस जब से मैंने न्यूज 11 भारत के माध्यम से हमने खबर सभी बिल्कुल बन कटाई को दिखा रहे हैं, हर चीज को दिखा रहे हैं, तब से पुलिस वहाँ पहुंच रही है और वन विभाग भी पहुंच रहे हैं। इसका टीम गठित किया जा रहा है और कई सुराग लग रहा है। अब देखे कब तक इन लोग पुलिस से वहाँ छापामारी करेगी। वन कटाई है और पुष्पों की खेती है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन गिरफ्तारी के लिए अभी तुरंत हम थानेदार से बात किए, विनोद तिर्की से हमने बात किया, चौपारण थाना प्रभारी से, उन्होंने बताया कि वीरेंद्र जी हम लगे हुए हैं, चलिए जब भी होगा गिरफ्तारी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो इस मामले में जल्द गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको दर्शकों के बार फिर से बताना चाहेंगे कि न्यूज 11 भारत इस तरह की खबरों को लगातार उठाता रहा है, उठाता रहेगा। हमारी खबर का असर भी देखिए कि किस तरह से पुलिस एक्टिव होती है, सुदूरवर्ती इलाके में पहुंचती है और 10 एकड़ जमीन पर लगी पोस्ते की खेती को पुलिस नष्ट करती है। तो चौपारण पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। ये इलाके काफी सुदूरवर्ती इलाके होते हैं, यहां कई बार पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चौपारण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 10 एकड़ जमीन पर लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। चलिए।